It's all fake news. Russia is fake news. Russia, this is fake news put out by the media. The news is fake because so much of the news is fake. I'm not okay when it is fake. Reporting is fake. Sir, I'm changing it from fake news, though. Doesn't that undermine... Very fake news. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने मीडिया को अमेरिका के लोगों का दुश्मन करार दिया है। ट्रंप ने मीडिया को बेईमान बताते हुए कहा कि उनका प्रशासन अच्छी तरह काम कर रहा है और मीडिया में आ रही रिपोर्टों के विपरीत व्हाइट हाउस में कोई अव्यवस्था नहीं है। ट्विटर पर मीडिया हाउसों पर भड़ास निकालते हुए ट्रंप ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, एनबीसी न्यूज, एबीसी, सीबीएस, CNN ये सभी फेक न्यूज मीडिया हैं। ये मेरे नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के दुश्मन हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस में हुए संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मीडिया हमारे प्रशासन पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता है कि हम उन संकल्पों पर चल रहे हैं जो हमने किया था और वो इससे खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि कई लोग उनके प्रशासन को लेकर खुश हैं, लेकिन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और मीडिया खुश नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मीडिया पर बरसते हुए उसे बेईमान और काफी बनावटी बताया। उन्होंने कहा, मैं टीवी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो अव्यवस्था की खबरें ही देखता हूँ। ये स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। राष्ट्रपति ने आगे कहा, ये प्रशासन इस तथ्य के बावजूद एक अच्छी तरह चलने वाली मशीन की तरह काम कर रहा है कि अभी तक मुझे अपनी कैबिनेट के लिए मंजूरी नहीं मिली। हमने अविश्वसनीय प्रगति की है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी निर्वाचित राष्ट्रपति ने इतने कम समय में ये सब किया जो हमने कर दिया। इसलिए आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।